दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी में। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिकल केबल होता है उसमें वाइट पाउडर यूज होता है, तो दोस्तों ये क्यों यूज होता है आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों वाइट पाउडर यूज होने का इलेक्ट्रिकल केबल में बहुत ही कारण है, आपको मैं विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि केबल के कैपेसिटी और एप्लीकेशन के हिसाब से उसमें क्या होता है कि वाइट पाउडर यूज होता है। तो दोस्तों ये क्यों यूज होता है, कौन सा पाउडर किस केबल में यूज होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए फिर जानते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिकल केबल में वाइट पाउडर क्यों यूज होता है। तो चलिए जानते हैं व्हाई वाइट पाउडर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स। कैपेसिटी और एप्लीकेशन के आधार पर मुख्य रूप से चार प्रकार के वाइट पाउडर इलेक्ट्रिकल केबल में यूज किए जाते हैं। पहला है टेलकम पाउडर, दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर, तीसरा है सोल्युबल पाउडर और चौथा है चाक पाउडर। दोस्तों ये चारों प्रकार के पाउडर हमारे इलेक्ट्रिकल केबल में यूज होते हैं कैपेसिटी और एप्लीकेशन के आधार पे। तो अब ये जानते हैं कि कौन से केबल में कौन सा पाउडर यूज होता है एक एक करके, जिससे आपको सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेलकम पाउडर की। टेलकम पाउडर लो करंट कैरिंग केबल में यूज किए जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर केबल्स में यूज होने वाले पाउडर, इसके यूज से केबल में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। दोस्तों टेलकम पाउडर जिसमें कम करंट फ्लो करता है, जैसे कंप्यूटर के केबल होता है, ऑफिसर्स के केबल होते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत ही कम मात्रा में करंट फ्लो होता है, तो उसमें हमारा कम स्क्वायर एमएम का केबल यूज होता है। तो उसमें कौन सा पाउडर यूज होता है, टेलकम पाउडर यूज होता है। उसका क्या कारण है, उसके यूज होने से क्या होता है कि उस केबल में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अब उसका कारण क्या है कि जब एक केबल को एक लंबे समय तक यूज किया जाता है तो उसका आउटर रबर स्टिकी हो जाता है, मतलब जो हमारे केबल में वो पाउडर ना यूज करेंगे तो वो स्टिकी हो जाएगा, मतलब वो चिपक जाएगा केबल के साथ में जो ऊपर का हमारा रबर रहता है, तो स्टिकी हो जाता है। वो स्टिकी ना हो, मतलब चिपके ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, टेलकम पाउडर का यूज करते हैं। अगर वो स्टिकी हो जाएगा तो केबल क्या होता है, ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इलेक्ट्रिकल केबल में टेलकम पाउडर का यूज किया जाता है। तो ये होता है टेलकम पाउडर का यूज क्या होता है कि लो करेंट केबल में किया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। अब बात कर लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर कौन कौन से केबल में यूज होते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर को हम MOP भी बोलेंगे शॉर्टकट में। मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर हाई करंट कैरिंग केबल्स में यूज किए जाते हैं, मतलब कि जिसमें ज़्यादा करंट फ्लो होता है उसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर यूज होता है। इसके दो प्रॉपर्टीज हैं, हाई थर्मल कंडक्टिविटी और लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये दो MOP मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर के बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी हैं। अब दोस्तों इस प्रॉपर्टीज के कारण क्या एडवांटेज होता है ये जान लेते हैं। पहला है, जब हाई करंट एक केबल से फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, जाहिर सी बात है जब करंट फ्लो होगा हाई करंट तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है जो कि केबल को डैमेज कर सकता है, उससे केबल को नुकसान हो सकता है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी के कारण मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर केबल के अंदर हीट से कंडक्ट करके केबल को हीट से डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। दूसरा एडवांटेज है दोस्तों, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी के कारण, जो कि MOP का प्रॉपर्टी है, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी के कारण मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर केबल में गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, मतलब कि उसका इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर इलेक्ट्रिकल केबल को एक अच्छा लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, मतलब कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर इलेक्ट्रिकल केबल को फायर प्रूफ बनाता है, मतलब उसमें आग लगने की संभावना भी बहुत ही कम हो जाती है जिस केबल में मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर यूज होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर इलेक्ट्रिकल केबल को फ्लेक्सिबल बनाता है। तो दोस्तों ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर जो केबल में यूज होता है उसके बेनिफिट। तो अब हम तीसरे जो हमारा है सोल्युबल पाउडर उसके बारे में जान लेते हैं। सोल्युबल पाउडर इलेक्ट्रिकल केबल में वाटर को ब्लॉक करता है, मतलब कि वो इलेक्ट्रिकल केबल को वाटर प्रूफ बनाता है और मॉइस्चर को एलिमिनेट करता है, मतलब उसमें मॉइस्चर पैदा नहीं होने देता है।
यह पाउडर वाटर के साथ एक जेल की तरह बिहेव करता है और वाटर के फ्लो को ब्लॉक करता है। यह पाउडर स्वेल एंड एक्सपेंड होकर वाटर को परमानेंटली ब्लॉक कर देता है। मतलब कि जब वाटर, ये सोलेबल पाउडर क्या होता है कि ये वाटर के साथ में क्या होता है कि एक्सपेंड हो जाता है, मतलब कि इसका साइज बड़ा हो जाता है और ये थोड़ा फूल जाता है और उस वो क्या होके वाटर को परमानेंटली ब्लॉक कर देता है। चौथे का बात कर लेते हैं, चॉक पाउडर हमारे इलेक्ट्रिकल केबल में क्यों यूज होता है। तो चॉक पाउडर इलेक्ट्रिकल केबल में फायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मतलब कि उसमें आग लगने की जो उसमें वो होता है कि मतलब वो फायर प्रूफ बता दें, मतलब उसमें आग नहीं लग सकता है, फायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिकल केबल को फायर से प्रिवेंट करने के लिए चॉक पाउडर का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये हो गया कि ये चार टाइप के जो हमारे पाउडर यूज किए जाते हैं, मोस्टली मैं बोल रहा हूँ कि वाइट पाउडर यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल्स केबल में। तो इसका मैंने आपको रीजन भी बताया दिया कि कौन से रीजन के लिए किस केबल में ये हमारा पाउडर यूज होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि वाइट पाउडर हमारे इलेक्ट्रिकल केबल में क्यों यूज होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए वीडियो लेके आता रहता हूँ। और अपना कोई आप कमेंट करना चाहते हैं या कोई सवाल करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल के बारे में, तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।